शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित ये पर्व पूरे नौ दिन चलता है, जिसमें माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और इस दौरान लोग पूरी श्रद्धा के साथ माता की पूजा करते हैं। आज बात करने वाले हैं अजमेर के चामुंडा माता मंदिर की। माता का ये मंदिर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। सालों पुराना ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब मान्यता तो ये है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध पर जाते थे तो चामुंडा माता का आशीर्वाद वो जरूर लेते थे और वो हर युद्ध इस दौरान जीत कर ही वापस लौटते थे। इसी मंदिर को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप एक राजा की बारे में आपने जान लिया, लेकिन और क्या क्या लोगों की मान्यताएं हैं और लोगों की आस्था कैसे जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ, जरा एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अरावली की पहाड़ियों की गोद में प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना चामुंडा माता का मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 1140 साल पुराना है और इस मंदिर की स्थापना सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने की थी। माना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता को अपनी कुल देवी मानते थे और ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बना हुआ है जहां माता ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दर्शन दिए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान माता के दर्शन करने जरूर जाते थे। माता के इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना माता पूरी करती हैं। साथ ही माता चामुंडा भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं। यही वजह है कि हर साल माता के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और नवरात्रि पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के प्रांगण में माँ गंगा, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और भैरव बाबा का भी मंदिर है। साथ ही माँ गंगा के मंदिर में एक छोटा सा जलकुंड भी है जिसकी गहराई मात्र 2.5 फीट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस जलकुंड का पानी कभी खाली नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कुंड से हजारों गैलन पानी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये कभी खाली नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस कुंड में पानी कहां से आता है ये कोई नहीं जानता। इस कुंड का पानी मंदिर में बनने वाले प्रसाद के लिए उपयोग किया जाता है। चामुंडा माता मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक यात्री की जो भी माँ से मांग होती है वो पूरी होती है। एक बार माँ के दर्शन कर लो, उनके सामने रिक्वेस्ट कर लो तो माँ उनकी झोली भरती है। और ये आज से नहीं, 1140 में स्थापना हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी है। तो सारा जो भी भक्त मांगते हैं बाहर, पूरे इंडिया से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, अलग अलग राज्यों से, यहाँ आए बिना कोई नहीं रहता है। बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध पर जाते थे तो पहले, जब भी वो युद्ध पर जाते थे तो पहले इनकी पूजा करके जाते थे और उसकी वजह से उनकी फतेह होती थी सारी। और क्या क्या है मंदिर में? मंदिर में सारे भक्तों के लिए सारी भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, बर्तन वगैरह सारे हैं। जितने चाहे 10,000 1,000 आओ चाहे 10,000 आओ, सारे बर्तन मिलेंगे। और पीने का पानी सारी व्यवस्था है। यहाँ पर कुआं भी है मीठे पानी का। कुआं नहीं बोलते उसको, कुंड बोलते हैं। कुंड है, 2.5 फीट गहरा है। और मेरी 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र में हमने कभी इसमें पानी कम नहीं देखा। और 2.5 फीट गहरा है, चाहे कितना ही काल पड़ो चाहे कितना ही हो, सारी भोजन प्रसादी इसी से बनती है मंदिर में, कभी खाली नहीं होता। नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर हाँ कुंड में पानी पीते थे, बाकी स्नान वगैरह तो इससे वहां से पानी भर के पहले लाते थे जब व्यवस्था नहीं थी।
अब तो सारी व्यवस्था नीचे से हो गई है पानी की, तो इसका मंदिर दुलाई मेहर उसमें काम में लेते हैं और माँ का भोग लगाते हैं उसमें काम में लेते हैं और पीने के लिए काम में लेते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु माता के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, साथ ही श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी श्रद्धालु चामुंडा माता से सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। चामुंडा माता की महिमा अपरंपार है। माता जी के नाम ही काफी है और आने को तो देखो रेगुलर तो मैं 3-4 महीने से आ रहा हूँ और बाकी तो सालों से आए रहे हैं। अपर महीने में 2 महीने में एक बार आते थे, अभी श्रद्धा ऐसी है कि माता जी डेली बुलाते डेली आते हैं। और जो भी है यहाँ पर अगर सच्चे दिल से जो भी कोई मांगता है माँ से, तो माँ जरूर उसका पूरा करती है। लेट सवेर होता है लेकिन जरूर है, पक्का है कि हाँ यहाँ से मिलेगा। और कई श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और माँ की महिमा के तो कोई लीला नहीं है, तो वो इनकी लीला अपरंपार है। क्या मान्यता है, क्या जानते हैं? देखिए हम जानते तो कुछ भी नहीं है, हम तो अज्ञानी लोग हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि माँ की इतनी है कि भाई आज माँ हमें यहाँ बुला रही हैं, हम डेली दर्शन करने के लिए आते हैं माँ के। और आप ये देख लीजिए कि लोग चाकर भी नहीं आ पाते हैं, अजमेर में रहने वाले नहीं आ पाते हैं। माता के दर्शन के लिए सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दें कि चामुंडा माता मंदिर काफी प्राचीन है और माता की मूर्ति चमत्कारिक है। साथ ही यहां नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला भरता है। माता रानी की सुबह और शाम को महाआरती की जाती है। कुछ श्रद्धालु माता को मदिरा भी चढ़ाते हैं और कई श्रद्धालु माता के श्रृंगार के सामान के साथ माता की पूजा करते हैं। देखो हम माता जी से चामुंडा माता मंदिर से काफी समय से जुड़े हैं और समय समय पर हम यहाँ आते रहते हैं। ये काफी चमत्कारी मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे नवरात्रे में भक्तों का मेला लगता है यहाँ पे, और अभी नवरात्रि की तैयारियां चालू हो चुकी है मंदिर में और काफी मंदिर की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। पुजारी द्वारा यहाँ पे अच्छी तरीके से पूजा पाठ होती है। श्रद्धालु अपने भक्तजन अपनी मनोकामना लेके मंदिर में आते हैं और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हो जाती है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये अजमेर में। माता जी को मदिरा चढ़ाने लेकर आए एक श्रद्धालु अमूल ने बताया कि वो और उनके साथी बचपन से माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित माता का मंदिर और मंदिर में स्थापित चामुंडा माता हर व्यक्ति के दुखों को हर लेती हैं। माता के दर्शन करने सभी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। ऐसा हम आए चामुंडा माता जी का मंदिर और ये बरसों पुराना माता जी चामुंडा माता मंदिर है और लोग बाग आते हैं। अभी नौरता चालू हो रहा है, 9 दिन चलता है और जगह फुल भीड़ रहती है। और ये फायसागर रोड पे है चामुंडा माता का मंदिर और श्रद्धा से आते हैं लोग बाग। आप कब आते हैं? हम तो भाई साहब देखो अपना बचपन से आते जाते हैं, अपना तो काम बचपन से आते हैं और पूरा समाज आता है, पूरे हिंदू समाज आता है और दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद मिलता है लोगों को। ये बोतल चढ़ती है और प्रसाद चढ़ता है, रेवड़ी जो भी मान्यता है, हलवा पूरी है, नौरते में जो चलता है वो चढ़ाते लोग, अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ाते लोग। वैसे तो पूरे साल माँ चामुंडा मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं लेकिन नवरात्रि में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। इस मंदिर में आरती के समय की एक खास बात ये भी है कि यहाँ आरती के समय 2 व्यक्ति तलवार लेकर आगे पीछे चलते हैं, या यूँ कहें कि तलवारों के साए में आरती की जोत चलती है। माता के इस मंदिर के दर्शन करके लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं और हर शुभ अवसर पर लोग माता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। अवली पहाड़ियों पर स्थापित माता चामुंडा माता मंदिर काफी वर्षों पुराना है। बताया जाता है 1160 वर्षों साल पुराने इस मंदिर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब भी युद्ध पर जाया करते थे माता रानी का आशीर्वाद लिया करते थे और वह युद्ध
जीत कर आते थे। बताया जाता है इस मंदिर में 2.5 फीट गहरा एक पानी का कुंड है जिसमें हजारों गैलन पानी प्रतिदिन आता है। कितना भी पानी निकालने पर वह खाली नहीं होता और नवरात्रों के दौरान यहाँ पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अजमेर सहित राजस्थान और राजस्थान के आसपास के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर जो भी प्रार्थना या दुआ करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।